चलिए तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट, आपने कल हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसका एनएच टर्म, हार्मोनिक मीन, इस पर डिस्कशन किया। सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन का देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला एंड नाउ हियर वी डिस्कस इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट अपना हेडिंग है प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ हार्मोनिक प्रोग्रेशन की अपन लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और इन प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है नो टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैन बी जीरो। एचपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आप एचपी के टर्म्स, आपने एचपी को कल डिफाइन किया, किसी प्रोग्रेशन को आप एचपी तब बोलेंगे जब उसके हर टर्म का उल्टा करने पर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिले। तो मैं यदि एचपी का कोई टर्म जीरो ले लूंगा तो आप उसका उल्टा करोगे तो आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा, क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है। तो बिल्कुल सेम रीजन है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म इन्फिनिटी नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे फाइनाइट की बात कर रहा हूँ, इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, और इसलिए फाइनाइट का मतलब फाइनाइट प्रोग्रेशन की। और इसलिए यहाँ पर पहला ये है कि नो टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैन बी जीरो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म जीरो अपन नहीं ले सकते हैं, ना कभी होगा। सेकेंड थिंग, यदि तीन नंबर सिर्फ ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी बराबर ए बाई सी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि कभी भी तीन नंबर्स में ये रिलेशन आ जाए, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बाई सी, then we say that A, B, C are in HP. आप इसको easily verify कर सकते हैं। तो देखिए इसका verification, यदि आपने ये results को verify भी करना है तो verification के लिए यहाँ पर अपन ने ये ले लेना A minus B upon B minus C, इसको लेके चलना है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ए सी बी सी ए बी ए सी। अब ए सी के टर्म को ट्रांसफर करोगे यहाँ पर, तो ये टर्म जब आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो यू गेट टू ए सी, ए सी प्लस ए सी, और ये वाला टर्म वहां पे ले जाओगे तो बी कॉमन हो जाएगा, एंड देयर फोर हियर वी गेट बी का वैल्यू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, and this implies A, B, C are in HP. तो ये इस तरीके से शो हो जाता है। तो कभी आपको A, B, C, HP में दिए हैं, तो A, B, C, HP में दिए हैं, तो आप उस रिजल्ट को ऐसा लिख सकते हो। ये दूसरी बात। तो पहला था कि no term of HP can be zero. दूसरा है if three numbers A, B, C are in HP, then we get this result कि A minus B upon B minus C बराबर ए बाई सी होता है। दिस इज योर सेकेंड रिजल्ट। और उसके बाद हमने थर्ड रिजल्ट लिखना है। थर्ड रिजल्ट के तीन केस हैं और तीनों अपन एक एक करके वेरीफाई करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें टोटल तीन पार्ट हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
तो प्रॉपर्टी नंबर थ्री थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, इफ कैपिटल एच इज हार्मोनिक मीन ऑफ नंबर्स ए एंड बी, इन दो नंबर्स के हार्मोनिक मीन को यदि हम कैपिटल एच से डिनोट करें, देन पहला रिजल्ट है वन अपॉन एच माइनस ए प्लस वन अपॉन एच माइनस बी इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी। तो एक मैं वेरीफाई कर देता हूं, फिर ऐसे ही जो है बाकी के रिजल्ट आप वेरीफाई करना है ना, दो इसके बाद और है वो आप करना। आर्यन पाटिल, चलिए। तो पहला रिजल्ट है वन अपॉन एच माइनस ए वन अपॉन एच माइनस बी वन बाई ए वन बाई बी, इसका वेरिफिकेशन देख लें। इसके बाद मैं दो दूंगा, थर्ड के मैंने आपको बोला तीन पार्ट है, ये थर्ड का पहला रिजल्ट है, ए दे देते हैं इसको नाम, फिर बी और सी आपको करना है। तो एक आप समझ लीजिए कि कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो शुरुआत में वेरिफिकेशन में भाई मेरे को दिया एच हार्मोनिक मीन है, तो सिंस वी गिवन दैट एच हार्मोनिक मीन है, तो हार्मोनिक मीन का वैल्यू क्या होता, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये अपन जानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ अपन को किसका वैल्यू निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन अपॉन एच माइनस ए प्लस वन अपॉन एच माइनस बी। इसका वैल्यू पुट अप कर दीजिए, एच की जगह पर वी कैन राइट टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, और यहां भी एच की जगह पर 2ab upon a plus b, minus का b है। अगले स्टेप में a plus b LCM लोगे तो a plus b numerator में आ जाएगा, और ये 2ab minus a square minus ab plus यहां पर a plus b upon 2ab minus ab minus b square। अगला स्टेप में ए प्लस बी, ये ए बी माइनस ए स्क्वायर, सिमिलरली यहां पर ये ए बी माइनस बी स्क्वायर। नाउ आप यदि इसमें से ए कॉमन ले लें तो बी माइनस ए बचेगा, ये क्योंकि ए बी माइनस ए स्क्वायर आया था, ए कॉमन ले लिया तो बी माइनस ए, ऐसे ही यहां पर बी कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी बचेगा, ठीक है, b कॉमन लेंगे तो a माइनस बी बचेगा, तो माइनस बी कॉमन ले लो तो b माइनस ए, चेक कर लो आप, वही ऊपर वाला टर्म आपको मिल जाएगा। अब ऐसा करने से होगा क्या कि आपका a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए, ये ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, और उसके बाद का स्टेप वे मैं ऊपर लिख देता हूं, ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी रिमेन्स एज सच, इसमें एलसीएम लोगे फिर ये बी माइनस ए है, इसमें एलसीएम लेंगे सो दिस गिव्स यू ए प्लस बी अपॉन ए बी, ये माइनस है। सो देखिए आगे अभी आपका रिजल्ट, ये बी माइनस ए कैंसिल हो जाता है, और जब ए प्लस बी को आप ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए अपॉन ए बी 1 बाई बी और b अपॉन ए बी 1 बाई ए, तो वी गेट रिजल्ट। तो केवल कुछ नहीं करना, आपने फॉर्मूला में उठा के वैल्यूज पुट अप कर देनी है। तो एक बार और देख लीजिए क्या किया है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी का फर्स्ट रिजल्ट है कि आपने h का वैल्यू पुट अप कर दिया 2 ए बी अपॉन ए प्लस बी, चूंकि ए बी सी एच पी में, सॉरी ए बी का हार्मोनिक मीन कैपिटल एच है, तो एच की जगह पर 2ab upon a plus b, ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला,
अब ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, एच का वैल्यू पुट अप किया है और उसके बाद एलसीएम लिया तो ए प्लस बी ऊपर आ जाता, ए प्लस बी ऊपर आ जाता, ये कैलकुलेशन की है आपने, तो ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए दोनों में कॉमन बन जाता, अंदर वन बाई ए माइनस वन बाई बी बचता, उसके बाद का स्टेप ये है, नोट कर लो, अभी भी नहीं समझा तो पूछ लो उसको। हाँ बोलो सर, वो आखिरी स्टेप में आपने किस से मल्टीप्लाई किया? आखिरी स्टेप में हाँ सर, ये कट जाएगा b माइनस ए तो क्या बचेगा, a प्लस बी अपॉन ए बी। अब a प्लस बी को ए बी से डिवाइड करोगे तो a अपॉन ए बी, a अपॉन ए बी का वैल्यू कितना आएगा, वन बाई बी, और b अपॉन ए बी का वैल्यू कितना आएगा, वन बाई ए। समझ गया अभी? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब ऐसे ही दो रिजल्ट और मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपने वेरीफाई करना है, थर्ड प्रॉपर्टी के बाकी दो रिजल्ट। मूविंग ऑन टू दी थर्ड पेज। सर एक मिनट। कुछ हो तो पूछ लो आप डाउट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चले चलिए, तो देखिए ये थर्ड प्रॉपर्टी का सेकंड रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट ये है कि h माइनस टू ए इंटू एच माइनस टू बी इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर होता है। करिए वेरीफाई, ये सेकंड रिजल्ट है। थर्ड प्रॉपर्टी का सेकंड रिजल्ट जिसका हो जाए वो डन लिख देना। करते रहिए, हो जाएगा तो डन लिखना, और जिनको कुछ नहीं समझ रहा वो यहाँ देखना। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, सीधा उठा के ब्रैकेट ओपन किया, ये जो आपका h माइनस टू ए एच माइनस टू बी है इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो h स्क्वायर माइनस टू ए, ओ माइनस टू ए का माइनस टू ए एच माइनस टू एच बी, और प्लस का फोर ए बी आना है, तो एच स्क्वायर रिमेन्स एज सच टू, एच का वैल्यू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है, और ए प्लस बी और प्लस का फोर ए बी रिमेन्स एज सच, तो उसके बाद दिस गिव्स यू एच स्क्वायर माइनस फोर ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस का फोर ए बी, उसके बाद ये ए बी कट जाएगा। चलिए छापिए, अभी इसको खत्म हो गया, ये राइट हैंड साइड है, तो कितने बच्चों का आया देख लेते हैं। मानसी
संस्कृति इंगले और मयूर तीन बच्चों का आया। ले ले इसका स्क्रीनशॉट, ये सेकंड रिजल्ट है। उसे मारने लगता है, उनका प्लेन टेक ऑफ। प्रणव का भी हो गया, ओके। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस रिजल्ट। केवल अपन ने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ओपन कर दिया तो ये रिजल्ट आता है। यहाँ पे कैपिटल एच की वैल्यू अपन जानते हैं 2ab/a+b, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा और 4ab से 4ab कट जाएगा, बचेगा एच स्क्वायर ओनली। इजीली आ जाता है रिजल्ट। टेक दी स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट रिजल्ट, तीसरा वाला रिजल्ट। करिए अब तीसरा वाला। अब यहाँ पे रिजल्ट चेंज कर दे रहा हूं और रिजल्ट ये है थर्ड, कि एच प्लस ए अपॉन एच माइनस ए प्लस एच प्लस बी अपॉन एच माइनस बी ये बराबर 2 आता है। करिए ट्राई इसको। ये थर्ड प्रॉपर्टी का थर्ड रिजल्ट है। ये हो जाएगा तो डन लिखना। अभी एच प्लस ए अपॉन एच माइनस ए प्लस एच प्लस बी अपॉन एच माइनस बी बराबर 2। बाप रे, इतना मुश्किल रिजल्ट नहीं है कि एकदम लेके ही बैठे हो। इससे समझ में आता है कि कैलकुलेशन आपने कितना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अरे एक आध तो कोई लाओ, सबकी हालात तो वैसे ही हैं। ओके आयुष, आयुष बोल रहे हैं हो गया उनका, ये करना ही आपको है, ये मैं नहीं करूंगा, ये आपको होमवर्क में दिया जाएगा फिर उसके बाद, ठीक है। तो आप स्पेस छोड़िए, इसको ट्राई करिए, ठीक है। नहीं आता है तो डाउट क्लास में इसको पूछिएगा, ये आपने ही करना है इसको। मयूर हो गया, आयुष हो गया, केवल 2 का ही हुआ है।
ओके प्रणव बोल रहे हैं, उनका भी हो गया। तो जो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है आप उसको सीधा उसमें डाल दें, और लेफ्ट हैंड साइड आप पूरा सिंपलीफाई करोगे तो सीधा राइट हैंड साइड ये रिजल्ट दे देगा। ये रिजल्ट आपको लिख के रखिए फॉर्मूला कॉपी में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी आपको ये हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपको होमवर्क है, आप इसको ट्राई करिए, नहीं आता है तो डाउट क्लास में पूछिएगा। ठीक है, दो रिजल्ट मैंने कराए, बिल्कुल वैसे ये भी हो जाता है, केवल सिंपलीफाई करना है। तो दिस इज दी थर्ड प्रॉपर्टी एंड इट्स रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट, इसको आप वेरीफाई करें। चलिए और एक क्वेश्चन का आप आंसर करें। एंड द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दे रहे हैं, उस इक्वेशन के आपको रूट्स का हार्मोनिक मीन बताना है। 5 + √2x² - 4 + √3x + 8 + 2√3 = 0। ऑप्शन है आपके 2, 4, 8 या फिर 16, विच वन इज करेक्ट। Here you have to find the harmonic mean of roots of this equation. ये जो equation है इसके roots का harmonic mean आपको बताना है। वंश वाग करेक्ट है, वेरी गुड। मयूर करेक्ट है, ABCD लिखो मयूर। हाँ सर, आप अपने आंसर ABCD के टर्म्स में लिखेंगे, डिजिट मत लिखना। प्रणव करेक्ट है, अनुराग आंसर करें, अर्जुन पाली, अरमान, अर्थव, अश्लेषा करेक्ट है, हम्म।
आयुष करेक्ट है, तेज प्रताप चेक करिए, चलो देख लो सॉल्यूशन आप। सो विवेक चेक कर, सॉरी विवेक करेक्ट है, सेजल पाटिल चेक करें। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन बी, फोर, करेक्ट वैल्यू फोर आती है। और आप ये जानते हो कि जो हार्मोनिक मीन होता है, यदि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा मान लें तो रिक्वायर्ड वैल्यू मतलब जो हार्मोनिक मीन होगा, अपन जानते हैं रूट्स का हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 2ab अपॉन a प्लस बी, वेयर अल्फा बीटा क्या है, सो वेयर अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। और आप ये जानते हो कि ये क्या लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा है, और ये क्या लिखा है, ये सम ऑफ रूट्स लिखा है। तो हार्मोनिक मीन की एक खासियत और भी है कि हार्मोनिक मीन में सम और प्रोडक्ट दोनों आता है। अंकित कुमार करेक्ट है, और आप ये जानते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट यदि आप अल्फा और बीटा माने तो आपने क्लास टेंथ में पढ़ा है कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है, और माइनस बी अपॉन ए का वैल्यू कितना आएगा, माइनस बी फोर प्लस रूट थ्री हो जाएगा, और अपॉन ए, ए का वैल्यू कितना है, फाइव प्लस रूट टू। और ये भी जानते हो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए होता है, तो ये जो c है 8 प्लस टू रूट थ्री अपॉन a, a का वैल्यू कितना है, 5 प्लस रूट टू। इसमें आप न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लेना, तो ये 4 प्लस रूट थ्री अपॉन 5 प्लस रूट टू आ जाएगा। तो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों का वैल्यू आ गया, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड हार्मोनिक मीन दोनों का वैल्यू डाल दीजिए, ये 2 टाइम्स लिखा है, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो है 2 4 प्लस रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 2, और डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स है 4 प्लस रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट। तो देखिए ये क्या बन गया, 2 2 जा 4, 4 प्लस रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 2, और डिनोमिनेटर में भी आपका वही टर्म है 4 प्लस रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 2, तो ये कट जाएगा आपका, टोटल बचेगा केवल ओनली 4, तो नोट कर लीजिए। सो आपने देख लिया कि हार्मोनिक मीन में एक खासियत और है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि हार्मोनिक मीन ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम आता है, इस तरीके से आप इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी एसोसिएट कर सकते हैं। टेंथ में अपन ने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ा है, तो ये दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। कोई डाउट है कहीं कैलकुलेशन में आपको तो पूछ लें, याद रखें कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जेई में आया है। चलिए तो अगले पेज की तरफ बढ़ते तो नेक्स्ट है आपका, देखिए यहां पर जो आपने अभी
तीन बातें पढ़ी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन. इन तीनों में हम यहाँ पर रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. ये तीनों मीन्स में क्या रिलेशन होता है. तो सबसे पहला जो रिलेशन है कि इफ कैपिटल ए, कैपिटल जी एंड कैपिटल एच आर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, देन यदि कैपिटल ए, जी और एच, ए एम, जी एम और एच एम है दो पॉजिटिव नंबर ए और बी के बीच में, तो सबसे पहला जो इसका रिलेशन है वो रिलेशन ये आता है कि आपका अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा. दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट. अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक. थोड़ी देर बात कर लेना. अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन. आप कोई भी दो पॉजिटिव नंबर के लिए इनको वेरीफाई कर सकते हो. कोई भी दो नंबर ले लें और उनका अरिथमेटिक मीन निकालो तो अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा आएगा, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा आएगा और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा आता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट नंबर्स आर 2 and 8. यदि हम 2 और 8 नंबर ले लें तो therefore यदि आप 2 और 8 का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ये होता है जो कि आएगा 5. यदि आप इन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे तो ज्योमेट्रिकल मीन होता है 2 into 8, 16, 4 आएगा. और यदि आप इन दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला 2ab/a+b होता है, मतलब 2 into 2 into 8/2+8 विच इज 3.2. सो therefore आपने यहाँ पर देख लिया कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा है. सबसे बड़ा ये आया, फिर वो आया, फिर वो आया, सबसे छोटा ये आया. और अगली बात ये है कि यदि आप देखिए यहाँ पर दो साइन लगे हैं, ग्रेटर देन का साइन भी है और ग्रेटर देन के साथ इक्वल का भी साइन. तो इक्वल कब आएगा? इक्वल तब आएगा जब आप ये दोनों नंबर सेम ले लेंगे. व्हेन यू टेक 4, 4, यदि मैं नंबर 2 और 8 की जगह पे 4 और 4 लेता हूँ तो 4, 4 का अरिथमेटिक मीन 4 आएगा, 4, 4 का ज्योमेट्रिक मीन 4 आएगा और 4, 4 का हार्मोनिक मीन भी 4 आता है. तो व्हेन दी नंबर्स आर इक्वल, व्हेन बोथ दी नंबर्स आर इक्वल, देन दीज थ्री, मतलब ए, जी और एच तीनों बराबर आते हैं. बट इफ दे आर पॉजिटिव टू नंबर्स डिफरेंट, देन ऑलवेज जो सीक्वेंस में आपने पढ़ा है, सबसे पहले आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था तो सबसे बड़ा अरिथमेटिक मीन आता है, फिर आपने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था तो उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन आता है, और फिर सबसे लास्ट में भी आपने हार्मोनिक मीन पढ़ा तो सबसे छोटा हार्मोनिक मीन आता है. वही सीक्वेंस में आता है, ए सबसे बड़ा होगा, जी उससे छोटा होगा और एच सबसे छोटा होगा. ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट. आपको दोनों रीजन बताया कि कब ये बराबर आते हैं, कब ये बड़े आते हैं. तो बड़े आने के लिए मैंने ये दो डिफरेंट नंबर ले लिए. नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. अब मयूर तुम्हारा जो डाउट है वो भी सुन लें. हाँ बोलो मयूर, क्या बोल रहे हो? हाँ सर, वही था. क्या वही जो लिखा था? तो तुमने तो फिर सॉरी सर, गुड मॉर्निंग क्या लिखा? जीएम गुड मॉर्निंग नहीं है, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन. हाँ ठीक है, तो फिर देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है. मयूर का भी क्वेश्चन अच्छा है.
ठीक है सुन लो। अब देखो एक जो कलाकारी इसमें है, कलाकारी का मतलब जो आपने बात याद रखनी है कि जो अंडरस्टूड होने करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर देखो ये जो बात लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पर, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन जब ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स, जब ए और बी पॉजिटिव होंगे तब ऐसा होता है। यदि आप ए और बी को नेगेटिव ले लो, व्हेन यू टेक ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, तो नेगेटिव में ये इनइक्वालिटी पलट जाती है। मतलब जब आप नंबर्स नेगेटिव लोगे, आप -2 और -8 लो, -2 और -8, तो -2 और -8 का अरिथमेटिक मीन सबसे छोटा आता है, ज्योमेट्रिक मीन उससे बड़ा आता है और हार्मोनिक मीन सबसे बड़ा आता है। आप करके देख लीजिए। इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज वैलिड ओनली व्हेन बोथ दी नंबर्स आर पॉजिटिव, व्हेन बोथ दी नंबर्स आर नेगेटिव देन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मतलब जब नंबर्स नेगेटिव होगा तो ए सबसे छोटा आएगा, जी उससे बड़ा आएगा और एच सबसे बड़ा आएगा। और व्हेन बोथ दी नंबर्स आर इक्वल विथ नेगेटिव साइन, मतलब मैं जैसे नंबर -4 और -4 ले लूं, तो उसमें आप अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालो, तीनों सेम आते हैं। ठीक है, सो अब देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लें, नोट कर लो। अभी तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये पहली प्रॉपर्टी हुई, रिलेशन, पहला रिलेशन आया एम जी एम और एच एम में, ये रिलेशन होता है। व्हेन बोथ दी नंबर्स आर पॉजिटिव देन ए बड़ा, जी छोटा, एच सबसे छोटा। व्हेन ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव देन ए छोटा, जी उससे बड़ा और एच सबसे बड़ा होता है। और व्हेन बोथ दी नंबर्स आर इक्वल तो तीनों बराबर आते हैं। ठीक है, चले आगे, नोट करिए इसको, लोकर आप लोकर छापा। बट दिस इज नॉट दी एक्चुअल प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट, हियर वी वेरीफाई दिस रिजल्ट एक्चुअली। हाउ वी वेरीफाई दिस रिजल्ट, वट इज दी एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ, वट इज दी एक्चुअल वेरीफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। तो ये तो अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई कर दिया, बट वी हैव टू वेरीफाई दिस। और हम ये मान के चले ए बी पॉजिटिव है, तो ये मेरा फर्स्ट रिजल्ट का वेरीफिकेशन है। मेरे को शो करना है ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। ए सबसे बड़ा होता है, जी छोटा होता है, एच सबसे छोटा होता है। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं ए और बी हमारे दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। सो टू वेरीफाई दिस, मैं यहाँ पर ए माइनस जी लेके चल रहा हूँ। क्यों यही लेके चले, उसका रीजन अभी आपको क्लियर होगा। आप जानते हैं दो नंबर ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी। यदि मैं इस एक्सप्रेशन में रूट ए ये एलसीएम ले लूं 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 रूट ए बी होल डिवाइडेड बाय 2। नाउ द न्यूमरेटर कैन बी रिटन रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बाय 2। आप ओपन कर लीजिए तो वही आएगा। और आप जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये क्वांटिटी अब या तो जीरो आएगी या पॉजिटिव आएगी। जीरो कब आएगी, जब ए और बी दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज ये क्वांटिटी हमेशा आपकी कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो मैं क्या लेके चला था, मैं लेके चला था ए माइनस जी, और ये ए माइनस जी हमारा जीरो जीरो से कैसा आ गया बड़ा, तो हमारा ए ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया जी। ये पहली बात होगी। नाउ बिल्कुल सिमिलर वे में मैं यहाँ पे जी माइनस एच लेके चलता हूँ। भाई जी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, और एच क्या होता है, एच होता है हार्मोनिक मीन, 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये हार्मोनिक मीन का दोनों के फॉर्मूले डाल दिए, रूट ए बी मैंने कॉमन ले लिया, रूट ए बी कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 रूट ए बी बचा, यहाँ पर ए प्लस बी बचा। ए प्लस बी मैंने एलसीएम लिया है, व्हेन वी टेक ए प्लस बी एलसीएम देन हियर वी गेट ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। बिल्कुल वही बनाने की कोशिश की है जो यहाँ पे बनाया था। और अब देखो ये क्या हो जाता है, ये हो गया रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी, और अगेन हियर वी गेट रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। चूंकि अपन ने यहाँ पे लिया ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव नंबर, यदि दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव तो हो गई होगा,
तो आप क्या लेके चले थे? आप लेके चले थे जी माइनस एच, और जी माइनस एच आपने कैसा शो कर दिया? तो यहां से क्या शो हो गया? जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच. कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन नंबर दो. तो फ्रॉम वन एंड टू वी से दैट कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आया था पहले, और फिर ज्योमेट्रिक मीन किससे बड़ा आया? हार्मोनिक मीन से. एंड वी गेट अवर रिजल्ट. दिस इज द एक्चुअल प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट. अब आप नोट कर लीजिए. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, याद रखें, प्रॉपर्टी वैलिड तब है ये वाली इनइक्वालिटी जब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे. जब दोनों नंबर नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन लग जाता है. और यदि दोनों नंबर्स बराबर आएंगे तो फिर एम, जीएम और एचएम तीनों भी बराबर आते हैं. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी और डाउट तो अभी पूछ लीजिए आप. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. तो ये पहला प्रॉपर्टी था, और अब दूसरा प्रॉपर्टी अपन देखते हैं. सेकेंड तो प्रॉपर्टी बड़ा इजी है. सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि जी स्क्वायर बराबर ए इंटू एच होता है. और दिस इज ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. ये तीनों में रिलेशन भी होता है. मतलब यदि इन तीनों में से कोई दो आपको दिया है तो तीसरा आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दिस रिजल्ट, दिस रिलेशन. कोई दो दिया है, ए और एच दिया है तो जी निकाल सकते हो, ए जी दिया है तो एच निकाल सकते हो, जी एच दिया है तो ए निकाल सकते हो. कोई दो दिया है तो तीसरा आप फाइंड कर सकते हो. और वेरिफिकेशन इसका बड़ा इजी है कि यदि आप इस रिजल्ट को वेरीफाई करने जाएं तो टू वेरीफाई दिस अपन इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं. ए इंटू एच में लेके चल रहा हूं, और अपन जानते हैं ए इज स्टैंड फॉर अरिथमेटिक मीन, और दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, और एच क्या होता है, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी. नाउ देखिए क्या क्या कैंसिल होता है. ए प्लस बी से ए प्लस बी उड़ जाएगा, और टू से टू उड़ जाएगा. आफ्टर दिस वी गेट ए बी. ए बी कैन बी रिटर्न. ए बी को आप रूट ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और आप जानते हो रूट ए बी जी होता है. सो दिस गिव्स यू जी स्क्वायर. तो बड़ा इजीली रिजल्ट वेरीफाई भी हो जाता है कि आप ए और एच का प्रोडक्ट कर दो, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट हमेशा ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर आता है. सो जब आपको कोई दो दिए होंगे तो इस रिजल्ट की हेल्प से आप वो तीसरा फाइंड कर सकते हो. ठीक है, ये आपका अगला रिलेशन है. दो रिलेशन है ओवरऑल, और यदि आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है तो अब आप पूछ सकते हो. और एक और मैं आपको बात बता रहा हूं. प्रॉपर्टी के तौर पे एक और अपन रिजल्ट इसमें देख लें, और वो रिजल्ट ये है. मतलब कभी भी मेरे को देखिए, एक जो बात आपने क्लास टेंथ में पढ़ी थी कि मेरे को यदि रूट्स दे रखे हैं और रूट्स की हेल्प से मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो अपन जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. मतलब आपने ये पढ़ा है कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा. तो ये फॉर्मेशन का फॉर्मूला 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं. ये 10th में था फॉर्मूला आपको. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा. आपने यदि 11th का क्वाड्रेटिक नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं आपको बता रहा हूं कि 10th में था ये. ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट आ गया, साथ साथ आप रिजल्ट पढ़ते जाइए. सो ये आप 10th में पढ़े हो कि अल्फा बीटा यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो ये फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है. मतलब मेरे को कोई दो रूट दिए हैं और वो दो रूट से मेरे को क्वाड्रेटिक बनानी है. सो वी यूज दिस फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो. ये फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक का, जब दो रूट दिए हों. अब आप इसमें एक खासियत देखिए कि जब भी मैं रूट्स ए और बी लिख दूं, यहां पर अल्फा बीटा की जगह ए बी लिख दूं, तो देखो अब जरा क्या होगा. ठीक है, केवल अपन ने कुछ नहीं किया, रूट्स ए अल्फा की जगह पर ए मैं लिख देता हूं और बीटा की जगह पर मैं बी लिख देता हूं. ए बी हूं, अल्फा बीटा की जगह रूट्स ए बी दिए हूं, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं. तो यहां पर क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा और यहां पर क्या आएगा, ए बी आएगा. तो ये एक बात होगी. ठीक है, अब आप इसमें भी एक खासियत देखिए कि आप ये जानते हो कैपिटल ए का वैल्यू कितना होता है. कैपिटल ए का वैल्यू होता है ए प्लस बी बाई टू. कैपिटल ए अरिथमेटिक मीन, दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू. तो मैं ए प्लस बी को कितना लिख सकता हूं, टू ए. और ऐसे ही आप जानते हो कि जो ज्योमेट्रिक मीन जी होता है वो रूट ए बी होता है. रूट ए बी ज्योमेट्रिक मीन होता है. तो ए बी को आप कितना लिख सकते हो, जी स्क्वायर. तो वो जो ए बी लिखा है वो जी स्क्वायर बन जाएगा और ये जो ए प्लस बी लिखा है ये टू ए बन जाएगा. मतलब क्वेश्चन में दो तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब मेरे को रूट दिया होगा, ए और बी दिया होगा या अल्फा बीटा दिया होगा, तो अपन ये फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक बना सकते हैं. अब मान लो आपको रूट नहीं दिए, उन रूट्स का अरिथमेटिक मीन और उन रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन दे दिया कि फाइंड क्वाड्रेटिक हुज अरिथमेटिक मीन ऑफ रूट इज एनी नंबर एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स इज एनी नंबर. मतलब आपको दो नंबर्स देने के बजाय वो दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन देंगे, तो फिर आप क्वाड्रेटिक कैसे बनाओगे. तो बड़ा सिंपल सा है कि क्या करना है. तो जो ओवरऑल इससे कंक्लूजन निकल के आया कि अब अपन ये जानते हैं कि सिंस कैपिटल ए जो होता है वो ए प्लस बी बाई टू होता है. कैपिटल ए का मतलब अरिथमेटिक मीन. तो दिस एम्प्लाइज व्हाट, ए प्लस बी को आप कितना लिख सकते हो, टू ए. और आप जानते हो कि जो जी होता है वो रूट ओवर ए बी होता है, ज्योमेट्रिक मीन. तो यहां से ए बी को आप कितना लिख सकते हो, जी स्क्वायर. एंड देयर फोर फ्रॉम दिस इक्वेशन, सो देयर फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए एंड बी इज नाउ गिवन बाय. अब अपन ये फॉर्मूला को लिखने के बजाय यहां पर ए प्लस बी की जगह पर मैं कितना लिख देता हूं, टू ए, और प्लस टू ए एक्स भी है. ए प्लस बी को मैंने, और एक्स भी है साथ में ना, प्लस ए बी की जगह पर अपन कितना लिख देंगे, जी स्क्वायर. तो ये आपका एक बड़ा काम का फॉर्मूला बन गया कि जब मेरे को दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन और दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन दिया होगा तो मैं ये फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ. मतलब मेरे को अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से को सॉल्व करके नंबर निकालने की गरज नहीं है. जब मेरे को अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया होगा तो पहले मैं सिंपलीफाई करूं, नंबर्स फाइंड कर लूं, एंड व्हेन वी गेट दी नंबर्स देन वी यूज दिस फॉर्मूला. इतना सब करने की जरूरत नहीं है. आपको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया है, सीधा उठाओ, उठा के यहाँ पे डाल दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगा. ठीक है, सो दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी. इसको आप याद रखिए, ये पूरा पेज स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कोई डाउट है इसमें अभी तो पूछ लीजिए.
ठीक है अर्जुन, समझ गया तुमको? अर्जुन पाली आवाज आ रहा है? अरमान यस सर। चलो ठीक। अश्लेषा कोई डाउट? अश्लेषा हेड़ाओ आवाज आ रही है? चलो मानसी, अरे आवाज नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? आ रहा है सर, आ रहा है सर। ओके ओके, तुम लोगों को सबको नेटवर्क इशू होगा आज। वंश कोई डाउट है? वंश वाग? नो सर। चलिए ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ये प्रॉपर्टी सॉरी रिलेशन है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करिएगा। इसके बाद नो करिए आंसर इसमें। एंड द क्वेश्चन इज इफ एबीसी आर इन एचपी, then one upon b plus one upon c minus one upon a into one upon c plus one upon a minus one upon b equals to, ये कितने के बराबर होगा? पहला ऑप्शन है आपका two upon bc प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर, थ्री अपॉन सी स्क्वायर प्लस टू अपॉन सी ए, थ्री अपॉन बी स्क्वायर माइनस टू अपॉन ए बी, या फिर नन ऑफ दिस, विच वन इज करेक्ट? इसको आप ट्राई करें। मानती इतना जल्दी आंसर कैसे? पहले बनाए क्या? चलिए तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में है। इसको आप ट्राई करिए और सॉल्यूशन ग्रुप में पोस्ट करिए। बाकी दो बच्चों ने आंसर किया वो करेक्ट हैं, आयुष और मानसी। केमिस्ट्री की तरह नहीं मिलेगी, मैथ्स की तरह मिलेगी।
ठीक है मयूर, तेज प्रताप चेक करो, गलत वो है। हाँ। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। मयूर करेक्ट है, ओम प्रकाश सॉरी दीप शिखा करेक्ट है, हर्ष वैष्णव करेक्ट है, चलिए बाकी का आंसर नहीं आ रहा, तो आप ट्राई कर लें इसको, डाउट होगा तो उसको अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय सर, बाय बाय सर, हैप्पी दशहरा सर। ओके, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।